जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं प्रॉफिट एनालिस्ट क्लॉज की फोर्थ क्लास। लाभ एवं हानि वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवा दिए थे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप आपको आज को कवर करवाना था, मतलब कि किसी वस्तु को बेचा जाता है तो कितने रुपये में कितनी वस्तु बेची जाती है, इस पर कितना प्रॉफिट हो कि इतने रुपये में इतनी वस्तु बेची जाए, इस टाइप का पैटर्न आज हमारा होने वाला है। ठीक है, तीन क्लास ले चुका हूँ, ये फोर्थ क्लास है आज हमारी। क्या ये आज से पहले आपकी थर्ड क्लास तो हो चुकी है, तीन क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी फोर्थ क्लास होने जा रही है। ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा जो चल रहा है ये फाउंडेशन बैच है। क्या एसएससी जीडी के लिए फाउंडेशन मैथ्स का बैच है जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करते हैं, क्या आपके साथ में एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, एक एक मेथड बताते हैं, एक एक फॉर्मूला बताते हैं, क्वेश्चन को बेसिक से समझाते हैं, एडवांस लेवल को समझाते हैं, एक एक टाइप का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के टारगेट लिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाते हैं और बेसिक से पढ़ते हैं। क्या बेसिक से किया जाती है, जो भी चीज़ आपको बताता हूँ मैं पहले उसका बेसिक बताता हूँ फिर बाद में जाकर चीज़ें बताता हूँ। ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, समझना, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, फाउंडेशन बैच है, समझना, ये अंतर है। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है, क्या कॉन्सेप्ट कवर होता है और फ्री पीडीएफ आपकी देता हूँ मैं टेलीग्राम पर। ठीक है, दो टाइप की पीडीएफ आपको मिलती है, पहली पीडीएफ मिलती है आपकी हैंड रिटन, मतलब जिसमें मेरा लिखा हुआ चीज़ें रहती है वो मिलती हैं, और दूसरी पीडीएफ आपको मिलती है किसके बारे में, दूसरी पीडीएफ आपको मिल जाती है प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट। क्या प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट, अगर आप पढ़ना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट करा सकते हो प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में। ये दो से तीन टाइप की पीडीएफ मैं आपको देता हूँ, बहुत शानदार पीडीएफ रहती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अब। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट अगर अच्छी लगे तो, और शेयर कर देना दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यूट्यूब भी समझ जाए कि आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करा चुका हूँ, बिल्कुल 5 घंटे की क्लास है, दोनों टाइप के नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम पर डलवा दिए, 5 घंटे की क्लास है कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक के लिए डेली क्लासेस चलाती है, मतलब कि डेली चलती है हमारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और आप देखोगे कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाते हैं हम, क्या एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के डिस्कस करते हैं, तो सब टाइप का मैथ्स कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा जो जो जरूरी होता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने फाउंडेशन क्लियर करवा दी आपको, ऐसे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट फाउंडेशन मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो आज हम हमारे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे के। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन पर छोड़ा था मैंने, और इस क्वेश्चन के मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, एक बार देख लीजिए फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाते हैं, एक बार देख लीजिए। एक रुपए में 12 टॉपी को बेचने पर 20% की हानि होती है, एक रुपए में कितनी टॉपी बेचें कि 20% का लाभ हो, बताइए। देख लीजिए इस तरीके को आपको बड़े शानदार तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना जरूरी समझता हूं, तो वो चीजें आपको बता देना। देखना, क्या जो हम खेल खेलते हैं, जो दुकानदार एक खेल खेलता है या जो हम खेल खेलते हैं, वो खेल हमेशा चलता है प्राइस पर। किस पर चलता है? प्राइस पर। क्या कि एक वस्तु आपने खरीदी, किस प्राइस, क्या प्राइस थी, उसे बेच दी, उसकी क्या प्राइस थी, कितने में प्राइस में खरीदो, कितने प्राइस में बेची, जो बीच का गैप है वो प्रॉफिट और लॉस कहलाता है, ये आपको पता है सर। बिल्कुल, हम खेल खेलते हैं प्राइस पर। ठीक है, कितने किस पर खेलते हैं? प्राइस। ठीक है, उसने बोला कि 3 पेन 20 रुपए की आती हैं, खरीदी जाती है, 3 पेन 20 रुपए में खरीदी, और उसने क्या किया, 15 पेन को 150 रुपए में बेच दिया, 150 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में खरीदा, 150 रुपए में बेच दिया। तो इस कंडीशन में आप बताइए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करोगे आप? एक सिंपल चीज बताऊंगा आपको, क्या ठीक है, कभी भी ये मत सोचो, क्या सीपीएसपी को निकालने का तरीका एक सिंपल रहता है, रेशो ले लीजिए दोनों का, रेशो ले लीजिए, लेकिन रेशो में क्या लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखना, कैलकुलेशन में इस 20 पर नहीं करूंगा, ना मैं इस 150 पर करूंगा, ना मैं 3 पर करूंगा, ना मैं 15 पर करूंगा, सर कैलकुलेशन किस पर होगी ये बड़े ध्यान से समझना। क्या देखना, 3 पेन, क्या देखना, 3 पेन थे,
20 रुपये की, बताइए एक पेन कितने का, एक पेन बताइए कितने का है। मैंने बोला सर अगर 3 पेन 20 रुपये के आते हैं तो एक पेन आएगा 1/20 रुपये का, तो कितना आएगा, सॉरी 3/20 का, कितना आएगा 3/20 का, 3/1, सॉरी एक सेकेंड रुकना, ठीक है, अगर एक पे 3 पेन 20 रुपये की तो एक पेन आएगा 20/3 का, 20/3 का सर बिल्कुल आएगा, एक पेन की प्राइस आ गई, ये निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। अगर 15 पेन 150 की आती है तो एक पेन कितनी आएगी, मैंने बोला सर 10 रुपये की आएगी। तो सबसे पहला काम आप CP और SP का रेशो लोगे, ठीक है, जो तरीका बता रहा हूँ उस पर फोकस करना, क्या सबसे पहला तरीका आपका CP और SP का रेशो लोगे सर, ठीक है, फिर 1/0 से 1/0 काटोगे, ठीक है, 3 उधर जाएगा तो 2 से 3 कर दीजिए, 2 से 3 हो जाएगा, 2 की चीज को 3 पर बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 2 पर, 1/2 का प्रॉफिट मतलब 50% प्रॉफिट, मतलब 50% का प्रॉफिट होता है मुझे। 3 की पेन 20 खरीदी मैं, वो 3 पेन मैंने 20 रुपये की दर से खरीदी, 15 पेन 20 रुपये 150 रुपये की दर से बेची तो मैंने 50% का प्रॉफिट पूछा, 50% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मेरे से प्रॉफिट पूछा जाता है। ये हुआ लो लेवल का क्वेश्चन, लेकिन अब हाई लेवल बढ़ते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार इस तरीके को देख लीजिए, क्या आपको ये तरीका क्लियर है, क्या आपको ये तरीका क्लियर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने बहुत सी बुक में, मतलब जिस बुक से आप प्रैक्टिस करते हो ना उसने आपने 99% इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा आपने, कि एक पेन या फिर टॉपी वाला देखा होगा कि इतने में इतनी दर से खरीदी जाती है, उस दर से बेची जाती है। आप इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से, ये बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है, लेकिन मैं इस टाइप की नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा लेवल अप करके चीज़ों को समझाएंगे, वो तरीका आपको समझाना मुझे, उस तरीके को मुझे समझाना, इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं आपको चीजें सिखाता हूँ। क्या जो चीज सिखा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से अपने में उतार लेना। देखिए 12 टॉफी आती हैं 1 रुपए की, 1 रुपए की, बताइए 1 टॉफी कितने की आएगी। मैंने बोला सर 1/1 टॉफी की प्राइस क्या होगी, 1/12 रुपये, सर बिल्कुल आएगी 1/12 रुपये, 1 टॉफी की प्राइस 1/12 होगी, 20% की आनू होती है, 1 रुपये में कितनी टॉफी, क्या 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो, 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए, मैंने मान ली कि x टॉफी बेची जाए कितनी, क्या 1 रुपये में, 1 रुपये में आप x टॉफी बेच दो, x का वैल्यू निकाल लूंगा मैं, x टॉफी बेच दो, x टॉफी, मैंने बोला सर x टॉफी तो बेच दी लेकिन ये बताओ 1 टॉफी कितने की बेचना चाहिए, मैंने बोला सर 1/x की बेच दो 1 टॉफी। मैं अभी कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट करवाऊंगा, देखना। देखिए मैंने बोला x टॉफी बेचो 1 रुपये में, x टॉफी 1 रुपये की x टॉफी आती है, 15 कितने भी आ सकती है, 1 रुपये में x टॉफी आती है सर, ठीक है, 1 टॉफी कितने की आएगी, मैंने बोला 1 टॉफी के लिए 1/x कर दो, क्या ऊपर रुपया रहता है, ऊपर रुपया रहता है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो 1/12 खरीदी, 1/12 रुपये में खरीदी और 1/x रुपये में बेच दी, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या आपने एक चीज़ बता दी हमें, क्या कि मैंने 1/12 में खरीदी थी और 1/x में बेच दी, 1/x में बेच दी, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैंने बोला सर ये अपॉन में अच्छे नहीं लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है ये अब अच्छे लगने लगे, अब ये अच्छे लगने लगे आपको, ठीक है, अभी अच्छे लगने लगे, क्या x रेशो 12 अभी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये रेशो हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है, ये x कैसे निकलेगा, मेन चीज़ तो ये है, देखिए एक्चुअल रेशो क्या है, देखिए इतने में जब बेच रहा था मैं तब मुझे 20% की हानि हो रही थी, अब मुझे चाहिए 20% का लाभ। अब आपको मैंने एक चीज़ सिखा दी थी, 20% की हानि मतलब 20% की हानि मतलब 80% पर बेचा जा रहा है, 20% का लाभ मतलब उसे 100 में 20 जोड़ो तो 120 में बेचा जा रहा है। क्या आपको ये चीज़ें पता थी, 80 में बेचा जा रहा था और 120 में जा रहा था, बस इसी का मैं यूज करूँगा, क्या पहले उसे 80 में बेचा जा रहा था अब उसे 120 में बेचा जा रहा है, अब उस पहले उसे 80 में बेचा जा रहा था अब उसे 120 में बेचा जा रहा है, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिए रेशो में खेलना सिखा रहा हूँ आपको, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको एक एक स्टेप, बस विश्वास मानिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगला क्वेश्चन खुद आप अपनी पेन से करके दिखाओगे, ये दावा है मेरा, देखना। मैंने देखा, क्या देखा सर, ये 0 से 0 कट रहा है, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है, ये 2 से काटा 4, 2 से काटा 12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ठीक है, ये 2 आया, ये 3 आया, ठीक है, इस एक्स रेशो 12, अब मेरा फाइनल रेशो क्या बन गया, 2:3 बन गया, ठीक है। देखिए या तो आप ये देख लीजिए कि 3 का 12 कितना गुना है सर, 4 गुना होगा, 2 का x कितना गुना होगा, 4 गुना, तो 2 × 8 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आ गया, ठीक है। लेकिन इसे सॉल्व करने का एक रेशो एक तरीका और रहता, क्या इसे आप x/12 लिख लीजिए और 2/3 लिख लीजिए, ठीक है, 12 उधर जाएगा
तो 12 गुणा में 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, क्या एक्स एक्स बटे 12 2/3, इसे कंपेयर करके भी कर सकते हो आप। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो मिस कर नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले मैंने रेशो निकालना सिखाया, फिर मैंने इस रेशो को बनाना सिखा दिया, फिर मैंने इसे सॉल्व करना सिखा दिया, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करता, लेकिन मुझे ये पता कि 3 का 4 गुना 12 होता है, 2 का 4 गुना 8 होगा। ये तरीका आपको भी आना चाहिए, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ आपको, ठीक है। मतलब इतना टफ क्वेश्चन है और इतनी आसानी से हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताते हैं आपको, अब अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाओगे क्या? अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाओगे, इस क्वेश्चन को आप मुझे खुद करके दिखाओगे। ये आप में आपके ऊपर दिया मैंने ये क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे? आप खुद करके देखो क्या कह रहा है। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी बटन बेचे 20% लाभ, बताइए। इस क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाओ क्या? मैंने बोला देखना, रेशो लेता हूं, पहले रेशो क्या ले रहा है, पहले रेशो की बात पे चले देंगे। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर उसे 4% की हानि होती है, क्लियर। 1 रुपए में कितनी बटन बेचे, कितनी बटन बेचे, मैंने बोला सर एक्स बटन मान लो, 1 रुपए में x बटन बेचता है, 1 रुपए में x बटन बेचता है, सर बिल्कुल आ गए समझ में, 1/20, 1 रुपए में 20 बटन, 1 रुपए में x बटन, इतना क्लियर सर बिल्कुल। सर इसे चेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x/20 आ जाएगा, x/20 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पुराना वाला आ गया, अब जो रेशो है, एक्चुअल रेशो है, जो एक्चुअल चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैंने बोला 4% की हानि थी, ये CP है, 4% की हानि है, मतलब 96% में बेचा जा रहा है। वो कह रहा है उसे 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ, 20% का लाभ, 120 में बेचना चाह रहा है, 96% को 120% में कन्वर्ट करने की चाहत है उसे, इस काम को करने से देखना पड़े ध्यान से, क्या 96% लिखा गुणा 120 लिखा, 120 लिखा, देखिए अब क्वेश्चन बन गया कि 120 की वैल्यू, वो सॉरी 120 की वैल्यू 20 है, तो 96 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, बता सकते हो क्या आप? अरे क्या आपको वो लिखना जरूरी है, x/20 बराबर 96/120, क्या आप इसे लिखना जरूरी समझते हो? मैं जरूरी नहीं समझता, मैं इसे जरूरी नहीं समझता, मैं इसी स्टेप में सॉल्व करके दिखा दूंगा सब कैसे, आप देखना देखना। तो 20 है वो 120 से कैसे आता है, मैंने सर 20 का भाग दो 120 में 6, मतलब ये 1/6 करके आता है, ठीक है। 20 में 6 का भाग दे दो तो 20 आ जाता है, 120 में 6 का भाग दे दो तो 20 आ जाता है। अगर मैं इसमें 6 का भाग दे दूँ तो 6 × 6 = 36, अगर मैं इसमें 6 का भाग दे दूँ तो 16 आ जाता है, 6 का भाग देता हूँ 16 आ जाता है, तो मतलब x की वैल्यू 16 आ जाती है। तो उसे 1 रुपये में 16 बटन बेचने दो, 1 रुपये में 16 बटन, ठीक है, 16 बटन बेचने दो उसे, 1 रुपये में अगर वो 16 बटन बेचता है तो उसे लाभ होगा कितने का, 20% का लाभ होगा, देख लीजिए, तो उसे 20% का लाभ होगा, समझ में आ गया, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन हो, इतनी जल्दी हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात होती है अपने बाप में, क्या जो चीजें आप सीख रहे हो और उसका इंप्लीमेंट करना आप सीख रहे हो, क्या किस चीज को कहाँ अप्लाई करना, ये अपने आप में आना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो विश्वास मानिए आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन के लायक जरूर हो, ठीक है। अगर इस चीज को समझ पा रहे हो तो आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। पढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अभी क्वेश्चन चेंज होगा, फिर से मजा आएगा, अब फिर से मजा आएगा, अब फिर से मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने, बताइए देख लीजिए क्वेश्चन को, पढ़िए आप एक बार तसल्ली से, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा है, देखना। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचे जाना चाहिए, बताइए, देखिए समझना।
40 रुपये में 45 संतरे और 20% की हानि, तो 20% लाभ कमाने के लिए 4 रुपये में कितने, 24 रुपये में कितने संतरे बेचने, क्या आप इसे नहीं कर पाओगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे क्या, देखना क्वेश्चन का लेवल, देखना क्या कह रहा है, देखना पहले क्या बात चल रही है, संतरों की क्या बात चल रही, देखना संतरों की प्राइस की क्या बात चल रही, देखना 40 रुपये में 45 संतरे, पैसा ऊपर संतरे नीचे, रेशियो 24 रुपये में कितने संतरे, मैंने मान लिया कितने संतरे नहीं एक से संतरे, एक संतरे 24 रुपये में कितने संतरे, एक संतरे बेच जाते हैं, इनका रेशो लेना आता है सर, बिल्कुल आता है, देखना 8 5 40, 8 3 24, 5 5 से 45 काट दो, 5 से 45 काट दो, कितनी बार 5 5 45, 9 3 27, एक्स रेशो 27 हो जाएगा, एक्स रेशो देखिए ये एक्स इधर जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, तो एक्स रेशो 27 हो जाएगा, क्या आ गया एक्स रेशो 27, ये आ गया कितना वस्तुओं का रेशो आ गया, ठीक है वस्तु प्राइस, मैंने ये रेशो ले लिया। अब देखना बात क्या चल रही है, उसने बोला कि उसका जो 20% की हानि है उसे उसे 20% के लाभ में कन्वर्ट करना है, देखना ये सीपी है, 20% की हानि मतलब कि 80% में बेचा जा रहा है, अब उसे क्या कह रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% 120% में उसे बेचा जाना चाह रहा है, देखना 80% में बेच रहा है और उसे 120% में बेच रहा है, पहले 80% में बेच रहा था, अब 120% में वो अपने 80 को 120 में कन्वर्ट करना चाहता है, 80 को 120 में कन्वर्ट करना चाह रहा है, मैंने देखा 40 दुनी 80 40 थी 120, रेशो क्या आया 2:3, रेशो क्या आया 2:3, इतना समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा कि ये 2:3 है, ये क्या है ये 2:3 है, ये 2:3 है, अब आप एक्स का मान बताइए, क्या इसे आप सॉल्व करने के लिए कुछ और मेथड अपनाओगे, मैं नहीं अपनाऊंगा, देखना एक स्टेप दूसरी स्टेप तीसरी में आंसर, 3 की वैल्यू 27 मतलब 9 गुना, 2 का 9 गुना कितना होता है, मैंने बोला सर 2 का 9 गुना 18 होता है, ऑप्शन नंबर ए, 18 संतरे बेच दो, क्या 24 रुपये में 18 संतरे बेचो तो आपको लाभ हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई डाउट कोई परेशानी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, इतना बेस्ट तरीका है ना कि आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर ला सकते हो कम से कम समय में, आ गया आपको, मेरा मानना कि ये क्वेश्चन आप सीख गए, अभी उल्टा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, अब ये पूछ रहा है प्रॉफिट पूछेगा आपसे क्या, अब ये प्रॉफिट पूछना स्टार्ट करेगा, देखना इसका भी इलाज है अपने पास, क्या तरीका सिखा दिया तो कोई भी मेथड लगा लो फिर तो, क्या सॉरी को मतलब तरीका सिखा दिया तो कोई भी क्वेश्चन ला दो, आप क्वेश्चन कर दोगे, एक बार पढ़िए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देखिए मैं आपके लिए डेली 1 मिनट की शॉर्ट्स डालता हूँ, डेली एक दिन में 2 शॉर्ट्स आती हैं, मतलब इतनी शानदार शॉर्ट्स डालते हैं ना, 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ मैं, और वो कॉन्सेप्ट जो सिखाता है ना वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, और वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मॉक में जरूर टकराते हैं, तो शॉर्ट्स को जरूर देखा कीजिए आप, इस चैनल पर जाकर 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट जरूर सीख लेना, ठीक है बहुत कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ उसमें, देखना अब इस क्वेश्चन को करता हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, 1 रुपये में 3 वस्तु को बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ, देखिए वस्तुओं का रेशो ले लूं मैं सर, बिल्कुल ले लेते हैं, 1 रुपये में 4 वस्तुएं, 1 रुपये में 4 वस्तु रेशो इतने में बेचा, फिर क्या कह रहा है 1 रुपये में 3 बेच रहा है, कितना बेच रहा है 1 रुपये में 3, ठीक है ये वस्तुओं का रेशो आपको लेना आ गया, वस्तुओं का प्राइस सर बिल्कुल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 और ये 4, तो 3:4 आ गया, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया, 3:4 आ गया, ठीक है ये वस्तुओं का रेशो आ गया, आप समझना क्या कह रहा है वो, वस्तु को वो बेचने पर उससे पहले 4% की हानि हो रही है, देखिए 4% की हानि कितनी होती है, 4% की हानि कितनी होती है, मैंने बोला सर 96% होती है, 96% होती है, मैंने मान लिया जब उसे बाद में जो प्रॉफिट हुआ ना वो प्रॉफिट हुआ वो उसे 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, पहले 96% में बेच रहा था उसे 100% में बेच रहा है, मैंने ये मान लिया पहले 96% में बेच रहा था, पहले 96% में बेच रहा था, अब मैंने मान लिया कि वो 100 रुपये में बेच रहा है, ये मैंने मान लिया मन में, ठीक अब आप बताइए कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3 की वैल्यू 96 है, कितने गुना मैंने देखा सर 3 3 9 3 2 6 32 गुना 32 गुना, इसका भी 32 गुना कर लीजिए, इसका भी 32 गुना कर लीजिए, इसका भी 32 गुना कर लीजिए, 4 2 8 और 4 3 12,
128, कितने में बेच रहा है वो? 128% में, मतलब उसे वो कितने परसेंट में बेच रहा है? सर 128% में बेच रहा है। कितने परसेंट में बेच रहा है? 128% में। अगर मैं 100 की वैल्यू को 128 में बेच रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट लाभ हो रहा है? 28% का लाभ हो रहा है, 28%, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है? इतनी शानदार एक स्टेप और दूसरी स्टेप मेरा आंसर आ जाता है, केवल दो स्टेप लिखना आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डलवा दी है मैंने, देख लेना। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? पढ़े, देख लिया, आ गया समझ में? आप देखिए, बात कर रहा है समोसे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वो सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था ना, उन क्वेश्चन की बात कर रहा है। अभी बताइए, जब इतने बड़े कर लिए तो इतने बड़े में इतने छोटे क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? जैसे आपको 2 मिनट लगे, एक कितना 15 सेकेंड, 15-20 सेकेंड उसमें लग रहा था, तो 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन हो गया। 10 सेकंड का ये क्वेश्चन होगा, आप पढ़िए फिर दिमाग लगाइए। जो तरीके आपने मैंने आपको सिखाए हैं, क्या आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो और इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो क्या? क्या जो तरीके सिखाए हैं उन क्वेश्चन को आप उन तरीकों को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो नहीं, बस ये बताइए। देखिए देखना, इस क्वेश्चन को देखना है, बड़े ध्यान से देखना, प्यार से समझाऊंगा आपको। 1500 रुपये में 50 समोसा, 1500 रुपये में 50 समोसा, तो एक समोसा कितने का? मैंने बोला सर 1500 रुपया ऊपर, समोसा नीचे, रेशो ठीक है। 40 समोसा बेचे उतने ही रुपए में, 1500 रुपये में, 1500 रुपये में, 1500 रुपये में उसने 40 समोसा बेचे। अब उसका प्रॉफिट लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है, देखना। 1500 से 1500 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 इधर 5 उधर, 4:5, मतलब क्वेश्चन क्या बन गया? अब 4 में खरीदा 5 में बेचा, क्वेश्चन क्या बन गया समझना? क्या 4 में खरीदा 5 में बेचा, मैंने देखा सर 4 में खरीदा 5 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, बटे में 4 लिख दिए, 1/4 का परसेंट, 1/4 का मतलब 25% होता है, ये आप सभी को पता है, 25% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बता दीजिए क्या, जब उसमें 10-15-20 सेकेंड में उसे कर पा रहे, तो ये तो 5-10 सेकेंड का क्वेश्चन था ना। ये मेथड शायद ही आपने कहीं देखी हो, क्या इतनी शानदार मेथड है, शायद ही आपने कभी देखी हो इतने शानदार तरीके से क्वेश्चन को करना इतने कम समय में, वो भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ में, ऐसा हो क्यों रहा है ये आपको सबको पता है ठीक है। क्या मैं कॉन्स्टेंट मैं फोकस करता हूँ कि एक चीज कितने पे आ रही है, जो चीजें आप देख रहे हैं ना ये चल रही है, ये केवल एक चीज पर बेच रहती है कि एक चीज, एक आइटम जो मैं खरीद रहा हूँ वो कितने का खरीदा और कितने में बेचा, इस चीज पर कैलकुलेशन करता हूँ मैं। देखिए क्लियर आपको? अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी सेम क्वेश्चन होगा, पढ़िए फिर मैं करके दिखाता हूं। अब तो आप खुद करने लग जाओगे इन क्वेश्चन को, क्या आप तो अब खुद करने भी लग जाओगे इन क्वेश्चन को, इतना शानदार बता रहा हूं मैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदी का, उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेचती। क्या 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदी का, 25 चॉकलेट बचती, उतने ही रुपए में 25 बेचती, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? पहले एक जनरल टर्म में बताओ प्रॉफिट और लॉस का, बताओ प्रॉफिट होगा इसे, मैं समझना, मैं एक लॉजिक समझाता हूँ। क्या मैंने 25 चॉकलेट खरीदी और 15 बेचती, कम बेच दी 10 रुपये में 15, दो बटे तीन 66 सही, 2/3% का प्रॉफिट होगा, 66 सही, 2/3% का प्रॉफिट होगा, आपको भी ऐसे ही आना चाहिए, करना पड़ता हूँ। अब देखना, मैंने एक लॉजिक लगाया, क्या लॉजिक लगाया वो ध्यान से समझ। सर ये कह रहा है कि 10 रुपये में चॉकलेट खरीदे,
उतने ही रुपए में, मतलब 10 रुपए में देखिए, अब वो बार बार 10 रुपए बोल रहा है, अब मैं 10 रुपए लिखना बंद करूंगा क्या, ये टाइम लेता है मेरा, मैं 10 रुपए नहीं लिखा करूंगा, ये तरीका है क्वेश्चन करने का, अब मैं 10 रुपए लिखना बंद करूंगा, मतलब कि जब भी वो बोले, एक सेकेंड, अब टाइम लेगा 55, अब आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए। अब देखिए, 10 रुपये में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 17 चॉकलेट बेच लेता, तो मैं 10 का यूज ना करके 1 यूनिट का यूज करूंगा, आप समझना, जब भी सेम रुपए बोलेगा तो मैं 1 यूनिट का यूज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आप समझना, 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीदी और उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेचती, 1 रुपये में 15 चॉकलेट बेचती, ठीक है, 25 25, 5 3 15, 3 उधर 5 होता, तो 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, ठीक है, उस 10 का कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, मैं एक यूज करने लगा मन में ही अपने, समझ गया मैं, 3 से 5 गया तो 2 का लाभ होता है, कितने पर लाभ होता है, 3 पर, तो 2/3 होता है 66, सही 2/3%, क्या 2/3 कितना होता है, 2/3 मतलब 66, सही 2/3%, इतना होता है, ठीक है, साथ में आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद हो रही है और क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको पता चल रहा है, क्लियर, ठीक है, बढ़े आप अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ, अब ये वाला देखना, अब इसमें वो तरीका यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग रुपए हैं, देखना यहाँ पर 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता, तो लाभ या हानि परसेंट बताना, बताइए कैसे करो, एक लाइन के क्वेश्चन बचे हैं, अब ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है इनमें, क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल एक एक सेकंड के क्वेश्चन बचे हैं, ये मात्र 2 से 5 सेकंड के क्वेश्चन, एक बार पढ़िए आप ट्राई कीजिए, मेन चीज आप ट्राई कर लोगे तो फिर मैं करके बताता हूँ आपको, क्योंकि आप साथ में पेन पेपर जरूर लेके बैठिए, इसको कहीं पर नोट डाउन जरूर करना कि ये तरीके आप सीख रहे हो क्या, ऊपर से सब जाता जाता है, ठीक है, अगर आप लिखोगे नहीं तो ये तरीके नहीं सीख पाओगे, आप देखना समझने का, कह रहा है 5 रुपये में 6 वस्तुएं, 5 रुपये में 6 वस्तुएं और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 25 36, तो 25:36 हो गए, 25 रुपये 36 हो गए, अब देखना देखना 25 के सामान को 36 रुपये में बेचा जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 11 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर प्रॉफिट हो रहा है बताइए, 25 पर प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 25 पर, ठीक है, तो मैंने लिखा अपन में 25, तो 11/25 कितना होता है बताइए, कैसे बताओगे आप 11/25 कितना होता है, चाहो तो ये देखो, चाहो तो आपको या तो 100 का गुणा कर लीजिए, क्या चाहो तो 100 का गुणा कर लो आप, तो 25 चौक 100, 4 गुणा 11 कितना हो गया, 44%, 44% मेरा आंसर आ गया, कितना 44% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर ए, बताइए कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, बताइए समझ में आ गया, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना इसे आप कभी नहीं भूलना, ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना इस तरीके को आप कभी मत भूलना, बेस्ट मेथड है ये, इस टाइप के क्वेश्चन करने को आपको 101% ये टाइप का एक क्वेश्चन जरूर देखेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम में आता है, क्या ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम में आता है तो 50-60% प्रोबेबिलिटी है, 50-60% चांस है ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, फेमस पैटर्न है ये, क्लियर, पढ़ूँ आगे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी अलग क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन जाता है, पढ़िए एक बार फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक, पहले जो तरीका सिखाया उसे लगाइए फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, देख लीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं करके दिखाता हूं आपको ये क्वेश्चन, 3 रुपए में 8 वस्तुएं, 4 रुपए में 9 वस्तुएं, बताओ, ठीक है, देखना ध्यान, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक लाइन तो अपने अभी तक लिखी ली होगी, क्या कौन सी लाइन, कि 3 रुपए में 8 वस्तुएं, 3 रुपए में 8 वस्तुएं, ये चीज आप लिख चुके होंगे, क्या 3 रुपए में 8 वस्तुएं आती हैं, और क्या बोला है उसने कि 4 रुपए में 9 वस्तुएं आती है, 4 रुपए में 9 वस्तुएं आती हैं, ठीक है, जितना लिख लिया होगा, क्या रुपया नीचे वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वो सॉरी रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, गुणा कर लो क्रॉस, कितना आ गया 9 3 27, 8 चौक 32, 32 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बोला 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 27 में खरीदा मैंने,
और 32 में बेच दिया, 27 में खरीदा मैंने, 32 में बेच दिया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। 27 से 32 जाने पर मुझे 5 का प्रॉफिट होता है, 5 का प्रॉफिट। आप बस 5 को 5/18 कर दीजिए, 5/18, बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 5.18 × 18 = 90 कितनी आएगी बताइए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है जो क्वेश्चन है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 5/9 × 2, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये जो 5/9 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है। क्या 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए 1/9 11.11 होता है, तो 5/9 55.55 होगा, 55.55 होगा। ऑप्शन में मिस्टेक है क्या, 2 18, एक सेकेंड होना, 518 × 18 = 36, ऑप्शन मिस्टेक है शायद इसके, देखने एक सेकेंड रुकना। खरीद के 4 वस्तु बेच गई, लाभ प्रश्न ज्ञात कीजिए, 3 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद कर 4 रुपये में 9 वस्तुएं बेची गई, 3 रुपये में 8 वस्तु खरीद कर 4 रुपये में 9 वस्तुएं, 9 3 27, 8 4 32, 2 27 और 2 5, 5/27 है, एक सेकेंड, ये 5/28 गलत लिख दिया मैंने गलती से, 5/27 है, 5/27 अब सही आएगा। देखिए 5/ में मैंने 9 लिख दिया, गुणा में 3 लिख दिया, 5/9 कितना होता है आपको मैंने अभी जब बताया, 55.5% अपॉन में मैंने 3 लिखा, अपॉन में मैंने 3 लिखा, 3 का भाग दे दीजिए, 3 का भाग दिए, देखिए 3 × 3 2 आया, 3 8 24, 1 + 3 = 5 15, 3 × 3 = 18.51%, 18.51% बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। देखिए ये 51 था, ये दशमलव के बाद 41 था, ये दशमलव के बाद में 61 था, तो बिल्कुल मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल भी कुछ। देखिए आप वैसे देखिए ये तरीका, देखिए पहले मैंने 5/9 लिख लिया और 3 का भाग दे दिया, ये पहला तरीका, और दूसरा तरीका देखिए 500/27। अब आप देखिए कंपेयर खुद कर लीजिए कि इस तरीके को करना आसान है कि इस तरीके को करना आसान है। 27 का भाग दोगे तो ये डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक जाना है, कितने 4 डिजिट तक जाना है, और 4 डिजिट तक 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 डिजिट तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी 27 का, क्योंकि 27 से 500 नहीं कटता बिल्कुल भी, 3 कॉमन नहीं है 500 में, तो वो तरीका नहीं अपनाओगे आप। 5/27 को 5/27 को 18.51% कहते हैं, 18.51 कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 5/27 को 18.51% कहते हैं, ये तरीका आपको पता होना चाहिए, बड़े शानदार तरीके से बताया मैंने, निकालना है ऐसे ही आपको निकालना है, ये तरीका आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना सिखा रहा हूँ ना, वो आपके लिए एक बहुत एक्स्ट्रा लर्निंग होने वाली है। क्या इससे आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल मात्र सेकेंडों में कर दोगे अगर आपको ये तरीका पता होगा, तो बस क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कोई डाउट परेशानी आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगला करवाया जाए आपको, बताइए बताएं अगला, ठीक है अगला करके देखते हैं। 9 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है, तो बोल 10 वस्तु के एसपी के इक्वल हानि, ये हानि पसंद की गणना किस, ठीक है। अब जो मेरा टाइप है जो पहला वाला वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरा टाइप मैं अभी करवा रहा था ना प्राइस वाला, उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन कर लीजिए। एक टाइप का और बचता है तो वो आपको थोड़ा आगे करवा देंगे, ठीक है। केवल एक टाइप का बचता है जिसमें 2 वस्तुओं को एक साथ मिला के वो बेचने लगेगा, वो मैं आपको आगे करवा दूंगा, ठीक है। अब देखना, अब अलग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बस इसे देख लीजिए आप, फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। स्टार्ट करें करना, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, समझना बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मेरे से उसने बोला है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखना, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य
10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के इक्वल है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने देखा सीपी बटे में एसपी, सीपी बटे में एसपी, सीपी बटे में एसपी, सीपी बटे में एसपी, ठीक है। तो ये एसपी इसके नीचे आ जाएगा और ये 10/9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीपी कितना आ गया 10 और एसपी कितना आ गया 9, सीपी 10 एसपी 9, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या देखना सीपी 10 है, 10 से 9 जाने पर कितने की हानि होती है, मैंने देखा सर 1 रुपए की हानि होती है। 10 रुपए की कोई चीज है 9 रुपए में उसे बेच दूं तो 1 रुपए की हानि होती है, 1 रुपए की हानि हो रही है मुझे 10 रुपए पर। बताइए 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब क्या होता है बताइए, 1/10 का मतलब होता है 10%। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, बताइए क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं जो बेसिक से बताया जा रहा है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल मजा आना चाहिए आपको, क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए आप ऐसे वाला। अगले देखते हैं, ये वाला देखिए, अब ये नींबू बेचने वाला आ गया, इसे आप करके दिखाओगे मुझे, ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, दिखाओ करके दिखाइए। ट्राई कीजिए एक बार, 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के एसपी के इक्वल लाभ हो रहा है, तो आपको बताना होगा क्वेश्चन कैसे करना है। अब क्वेश्चन बदल चुका है, क्या अब क्वेश्चन बदल चुका है, अब क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा था वो नहीं है ये वाला, अब ये अलग है, क्या अलग है सर, बिल्कुल बताइए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, बताइए अब मैं आपको एक तो डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, क्या डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ पहले, फिर कॉन्सेप्ट उसके पीछे का वो भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। देखना 33 नींबू मैंने बेचे, ठीक है, मैं 33 नींबू को मैं बेच रहा हूँ, देखना, और 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ध्यान से देखना, देखना अपॉन में जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं सीपी, जो ऊपर आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट, ये चीज़ आपको पता है सर, बिल्कुल पता है, नीचे सीपी आता है ऊपर प्रॉफिट आता है, ठीक है, इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। देखना 11 नींबू के बराबर लाभ होता है, मतलब 11 नींबू के बराबर लाभ होता है, ये मैंने लिखा 11, क्या 11 नींबू के बराबर लाभ हुआ तो ये मैंने लिख दिया 11, ऊपर लिख दिया सर, बिल्कुल प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिए 33 नींबू बेचे मैंने, सेलिंग प्राइस है ये मेरी, क्या है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है सर, प्रॉफिट हुआ है मुझे 11 के बराबर, मुझे प्रॉफिट हुआ है 11 नींबू के बराबर, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है 11 नींबू के बराबर। देखिए इतने में बेचा, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा बताइए, 33 में से 11 घटा दीजिए 22, ठीक है, मतलब 33 में से 11 घटाया तो 22 आएगा, मतलब 22 रुपये का सीपी था, 11 का प्रॉफिट, 22 का सीपी, 11 से 22 काटा 1/2। अब क्या आपको 1/2 का मतलब नहीं पता कि 50% प्रॉफिट होता है, 1/2 का मतलब होता है 50% प्रॉफिट, बताइए क्या आपको ये तरीका समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया, प्रॉफिट ऊपर और सीपी नीचे, बस। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, सीपी कितना है 22, ठीक है, 22 वस्तुओं खरीदी, ठीक है। अब देखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका, देखना बेसिक समझा देते हैं एक बार आपको, जिससे आपके मन में शांति हो जाए, तो एक बार बेसिक की चुल्लो मचती है ना वो जरूरी है मिटाना, देखना आप बड़े ध्यान से देखना। मैंने मान लिया कि एक नींबू एक्स रुपए का खरीदा मैंने, और मैं ऐसे ऐसे 33 नींबू लेके आया, 33 नींबू खरीदे मैंने एक्स रुपए, कितने 33, एक नींबू एक्स का आता तो 33 एक्स के खरीदे, ठीक है। आप बताइए सीपी प्लस मैं प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है,
सेलिंग प्राइस होता है? सर बिल्कुल होता है, मैंने 33 नींबू बेच दिए, 33 नींबू बेच दिए, मुझे 11 का प्रॉफिट हुआ। एक सेकेंड रुकना, 11 का प्रॉफिट हुआ मुझे सीपी। एक सेकेंड, इसमें कुछ ना कुछ, एक सेकेंड रुकना, इसमें वैल्यू में मिस्टेक है क्या? देखिए एक सेकेंड रुकना, ये जो लॉजिक है बड़े ध्यान से देखना। क्या आपको पता है कि सीपी और प्रॉफिट होता है, जो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस के कुल होता है, ये चीज आपको पता है? सर बिल्कुल पता है, ये हम जानते हैं। देखना, 33 नींबुओं को बेचा, 33 नींबुओं को बेच दिया मैंने, बताइए अगर मैंने 33 नींबू बेचे हैं तो मैंने खरीदे कितने होंगे? बताइए सर, मैंने 33 ही खरीदे होंगे, एक्चुअल में मैंने 33 ही खरीदे होंगे, 33 नींबू खरीदे में। मुझे प्रॉफिट कितना होता बताइए? मुझे 11 नींबुओं का प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस के इक्वल, 11 नींबू के सेलिंग प्राइस के इक्वल मुझे प्रॉफिट हुआ, ये लिखा मैंने, 11 नींबू के सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ। सेलिंग प्राइस मैंने क्या, मैंने बेचा क्या, मैंने बोला सर मैंने 33 नींबू बेचे, 33 नींबू बेचे, ठीक है आप सॉल्व कीजिए, 11 SP इधर आ जाएगा, 33 CP इक्वल गया 33 SP, 33 SP माइनस 11 SP, तो 33 CP इक्वल, 33 CP इक्वल सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरा, 33 में से 11 गया तो 22 SP आ गया, ठीक है। देखिए अब सीपी अपॉन में एसपी आएगा, सर बिल्कुल आएगा, सीपी अपॉन में एसपी आएगा, सीपी कितना आया 22, सेलिंग प्राइस कितना आया 33, 22:33 कितना आया, 22:33, 22:33। अब आपको पता है, मैंने बता दिया सीपी 22 है, सीपी से एसपी कितना जाता है, 22 का खरीदा 33 में बेच दिया, 22 का खरीदा 33 में बेच दिया, 11 का प्रॉफिट हुआ। क्या बताइए, ये मैंने आपको पहली लाइन में लिख के नहीं बता दिया था, 11 से 22 काटा तो 1/2 मतलब 50%, 1/2 मतलब 50%, क्या आपको मैंने ये पहली लाइन में नहीं लिख के बता दिया? बताइए, देखिए इस प्रोसेस को कंप्लीट को आप कट कर सकते हो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो तरीका जो मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। क्या उसने क्या किया, उसे 11 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 नींबू के प्रॉफिट हो रहा है, 33 को बेचा 11 का प्रॉफिट, तो 22 की उसने खरीदा होगा, 22 की उसकी सेलिंग प्राइस रही होगी, तो 11/22 मतलब 1/2 50%। इस प्रोसेस को आप बिल्कुल गलती से भी मत कर देना, इस तरीकों को मैं आपको बिल्कुल वार्निंग दे रहा हूँ इसको करने की, ठीक है, क्लियर, मैं वार्निंग दे रहा हूँ इसे करने की, आप बिल्कुल नहीं करोगे। और इसे आप मुझे एक बार कमेंट में करके बता दीजिए, क्या 65 पेन को बेचने पर 13 पेनों के बिक्री मूल्य, इसे आप मुझे कमेंट में करके दिखाओगे, कमेंट में आप इसका मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, फिर उसके बाद में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ये फोर्थ क्लास की आपको पता है, अब फोर्थ क्लास कम्प्लीट हो चुकी है, फिफ्थ और सिक्स्थ एक दो क्लासेस और आएंगी, और एक कम्प्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आप सीख जाओगे, बिल्कुल अगला चैप्टर मैं LCMH से स्टार्ट करूंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, बस क्लास में बने रहना है आपको डेली, चैनल को लाइक, वो सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।